एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये आलेखन वृत्त का कलर दिखाने वाले हैं और हमने ये कलर लिया है कैमल का, जिसमें 12 शेड हैं और हमने ब्रश लिया है 3, जिसमें 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर हैं। चलिए, हमने बैंगनी कलर बना लिया है और इसी बैंगनी कलर को हम बैकग्राउंड फिलअप करने वाले हैं। ये देखिए, ऐसे आपको करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले घंटे को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल जाए। और बता दें आपको कि हम ड्राइंग का टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं, अगर आप उससे जुड़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से लिंक आप जुड़ सकते हैं। ये देखिए, ऐसे आपको फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो से बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिए, समझ नहीं आएगा, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, हमने बैकग्राउंड कलर कर दिया है, अब फूल को कलर कर रहे हैं। फूल को कलर करने में हम इसमें 2 ब्रश और 2 कलर यूज़ करेंगे, एक रेड और दूसरा गुलाबी। ये देखिए, ऊपर साइड हम गुलाबी लगा रहे हैं और नीचे रेड, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे को पूरा करना है। ये देखिए, ऊपर गुलाबी है और नीचे रेड है। ये देखिए, हम बहुत सारे आलेखन बनाए हैं, बहुत सारे आलेखन कलर किए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। एक बार आप जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, हर तरह का आलेखन मिल जाएगा जो भी परीक्षा से संबंधित होते हैं, जो पूछे जाते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है। अगर ऐसा कलर करते हैं तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा, और ये कलर करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। ये देखिए, हमने 2 ब्रश लिया है और 2 कलर लिया है, और बीच में मिक्स कर देते हैं, दोनों गुलाबी और लाल मिल जाता है, कितना अच्छा लगता है। ऐसे आपको पूरा करना है। और देखिए, वृत्त में हमने आउटलाइन जो किया है डबल किए हैं, ऐसे आपको डबल करना है, कलर भरने में आसानी होता है, अच्छा लगता है। तो चलिए देखिए, फूल भी कलर हो गया है और कली भी कलर हो गया है, और थोड़ा सा हम कत्थे से आउटलाइन कर देंगे तो अच्छा लगेगा, हल्का सा लाल और नीले मिला के या काला मिला के। देखिए, कंप्लीट हो गया, अच्छा लग रहा है, ऐसे आपको बनाना है। चलिए, अब हम पत्ती और टहनियों कलर करते हैं। कमल देखिए, कंप्लीट हो गया है, गुलाबी हो गया, लाल हो गया और आउटलाइन कत्था हो गया, ऐसे आपको करना है। देखिए कितना कंप्लीट हो गया। अब चलिए पत्ती में कलर भरते हैं। पत्ती में कलर भरने के लिए हमने जो कलर लिया है ये है धानी, जिसमें आप बना सकते हैं पीला और हरा मिला के, और इस कलर में तो दिया ही है, बाकी बनाना चाहें धानी तो कलर बना सकते हैं हरा पीला मिला के। ये देखिए, हमने एक टोन लगा दिया है, हम 3 टोन में पूरा करेंगे। और चलिए बतख कलर करने में बच्चे काफ़ी गलती करते हैं। बतख में कलर एकदम हल्का लगाना है, आप चाहे पीला करिए, चाहे गुलाबी करिए, चाहे नीला करिए, लेकिन कलर एकदम हल्का लगाना है। जिससे हमने लगाया, देखो एकदम हल्का लगाया, अब इसका आउटलाइन कर दिया, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पत्ती में जो कलर लगाना है ये है हरा, एक धानी हो गया, दूसरा हरा हो गया। अभी कलर लगाएंगे तो 3 टोन हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे आपको करना है। चलिए देखिए, बतख में हम कलर लगा रहे हैं नीला, एक हल्का आसमानी हो गया और नीला हो गया, ऐसे कर देंगे अच्छा लगेगा। ऐसे आप कलर लगाना है बिल्कुल एकदम हल्का, जिससे बतख सफ़ेद दिखे तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए, बतख कंप्लीट हो गया ही, और चोंच को हल्का सा थोड़ा पीला कर देंगे, अच्छा लगेगा, चाहे गुलाबी कर देंगे, कत्था कर देंगे, तो पीला हम करने वाले हैं इसमें। चलिए, पत्ती में कलर लगाते हैं, जिसमें देख रहे हैं आप, इसमें हरा में नीला मिला के या तो हरा में काला मिला के आप लगा सकते हैं आउटलाइन में, पत्तियों में अच्छा लगेगा। एक धानी हो गया, एक हरा हो गया, एक हरा में नीला मिला के हो गया, 3 टोन हो गया, अच्छा बन कंप्लीट भी हो गया, अच्छा भी लग रहा है। ऐसे आपको पूरा करना है, और सभी जगह टहनियों में आपको लगा देना है, इस आउटलाइन कर देना है पतले ब्रश से, 0 नंबर से 1 नंबर से किसी भी ब्रश से जो पतला चलता हो। और देखिए, कंप्लीट भी हो गया और अच्छा भी लग रहा है, ऐसे आपको करना है। अब चलिए, आउटलाइन अगर इसे डबल बनाएंगे तब कलर फिलअप करेंगे तो अच्छा से आता है, अगर सिंगल लाइन रहता है तो कलर करने में लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा, तो अच्छा लगता नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ऐसे डबल बना के भरेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। तो ये देखिए, कंप्लीट बन गया है और कितना अच्छा लग रहा है, आई होप समझ आएगा होगा। चलिए, आज की वीडियो इतना ही, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।